कि तुमने मेरे भाई इरफान को मार डाला, मेरी अम्मी को मारने की कोशिश की, मामू जिंदगी के लिए मौत से लड़ रहे तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। अपने हाथ खून से, इरफान भाई, इरफान भाई, ले लिया मैंने आपकी मौत का बदला। देखो देखो खून से, उनसे हाथ हाथ रंग लिए। ये क्या कर दिया तुमने ब्रदर, शायद तुमने क्या कर दिया? कंट्रोल रखो जायद, कंट्रोल। क्या कहूं मैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है या उसकी? इतनी सी गलती कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती। कुछ तो होश से काम लो भाई, कुछ तो होश। कैसे होश से काम लूं मैं? मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं लानत है मुझ पर, लानत है। कुछ नहीं बिगाड़ पाया मैं उस औरत का, कुछ भी नहीं। अरे उसे हम बाद में देख लेंगे, अब तो भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाओ, कत्ल किया उसने मेरे भाई का, जान ली है मेरे भाई की उसने, मार डाला उसे। ये क्या कह रहे हो? उसने मेरे भाई को मार डाला, लोकसाना के साथ मिलकर। तो ये सब पता था, मेरे भाई ने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ा और वो चुप रही। ये सच्चाई उसने मुझसे छुपाई और तुम कह रहे हो मैं चुप रहूं, गुस्सा नहीं करूं? कैसे जायज? तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है जायज, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है शबाना को जीने का। उसे मारूंगा, शबाना को जीने का बिल्कुल भी हक नहीं। इरफान के खून को इस तरह सूखने नहीं दूंगा,
शबाना को मरना ही होगा। मैं जानती थी, मैं इस राज को जानती थी, फिर भी उसने मुझे नहीं बताया। उसने शबाना की हकीकत मुझसे छुपाई। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं शबाना को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं शबाना को। शबाना इतनी लंबी भी नहीं है कि शबाना को जिंदगी दे दे। आज कभी ना कभी तो आएगी वो, और तभी बंदूक बंदूक उसको बख्शेगी नहीं। खाने और फोन के लिए। हेलो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपका भेजा हुआ नोट भी पढ़ा है। शायद आपने सावन में बादलों से ना बरसने और गर्मियों में सूरज से ना तपने की उम्मीद दी है, लेकिन जब बाहर दस्तक देती है तो कलियों के बस में नहीं होता है ना खेलना। शायद वैसे ही हम वो सब कुछ नहीं कर सकते जैसा आपने चाहा है। थैंक्स, तो मुझे तुम्हें कहना है इतना बड़ा राज छुपाने के लिए। राज? हाँ राज, ये राज जो तुमने मुझे छुपाया कि तुम्हारी बहन शबाना मेरे इरफान भाई की कातिल है। थैंक्स कहता हूं मैं तुम्हें, शबाना को मुझसे बचाने के लिए। लेकिन जिस तरह अंगारों को कपड़ों से नहीं ढका जा सकता, उसी तरह सच को छुपाने से नहीं छुपा सकते। तुम्हारी मेहरबानियों से तुम्हारी बहन शबाना बहुत दिन जी ली, और मेरी आंखों के सामने कोई पता नहीं है। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, और वो मैं करके रहूंगा। शायद आप मेरी बात सुनिए, शायद प्लीज, शायद देखिए कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। शायद कोई गलती नहीं, शायद प्लीज। थैंक्स।